हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सोशल स्टडी में लेसन 14 आवर कंट्री रीड करेंगे और उसमें जो न्यू वर्ड्स हैं कुछ वो हम अंडरलाइन करके रखे हैं हमने। तो आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले मैं इसे नोटबुक में लिखे हुए हैं तो आपको रीड करवा देती हूँ, और ऐसे ही आप फिर इन्हें नोटबुक में लिखकर स्पेलिंग लर्न करेंगे। UNION, यूनियन। TERRITORIES, टेरिटोरीज। LANGUGE, लैंग्वेज। CELE, सेली। BRA, ब्रे। TED, सेलिब्रेटेड। NATIONAL, नेशनल। SYMBOL, सिंबल। FREE, फ्री। DOMDM, फ्रीडम। UNITY, यूनिटी। TRI, ट्राई। COLOUR, कलर, ट्राई कलर। SACRI, सेक्री। FICE, फाइज, सेक्रीफाइस। MIDDLE, मिडल। BOTTOM, बॉटम। PRO, प्रो। GRESS, ग्रेस, प्रोग्रेस। PURITY, प्योरिटी। SPOKES, स्पोक्स। BEAUTY, ब्यूटी। EMBLEM, एम्बलम। IDENTITY, आइडेंटिटी। VEISIBLE, विजिबल। IN के साथ SP बोल देंगे, इंस्क्राइब्ड। CRIBED, इंस्क्राइब्ड। SATYA, सत्य। MEV, मेव। JAYATE, जयते, सत्यमेव जयते। RE तक बोलेंगे। PRES, प्रेस। ENTING, रिप्रेजेंटिंग। SOME, सम। THING, थिंग, समथिंग। IMPM, PORTANT, पोर्टेड, इम्पोर्टेंट। टी तक है इम्पोर्टेंट। तो आप इस तरह से इसकी स्पेलिंग लिखकर इनके वर्ड्स रीड करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम लेसन रीड करेंगे। वी ऑल आर इंडियंस, हम सब क्या हैं? इंडियंस हैं, भारतीय। इंडिया इज आवर कंट्री, हमारा देश जो है इंडिया है, यानी कि भारत। इट इज वेरी बिग कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। इट इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये जो है 29, यानी कि 29 राज्यों में, स्टेट्स मीन्स राज्यों में विभाजित है, और 7 केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश हैं। इसमें 29 स्टेट्स हैं राज्य, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स। जो यहाँ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लैंग्वेज यानी कि भाषा, और अलग अलग तरह के क्लॉथ्स, कपड़े पहनते हैं। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कई तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, कैपिटल है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लैंग्वेज मीन्स भाषा। आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी कंट्री हैज़ इट्स नेशनल सिंबल्स, हर कंट्री का यानी कि देश का नेशनल सिंबल होते हैं।
आवर कंट्री हैज आल्सो हैज नेशनल सिंबल्स, हमारे भी राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, दे आर द सिंबल्स ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी, ये जो हमारे सिंबल्स हैं हमारी एकता को दर्शाते हैं। एवरी पर्सन मेंटेन प्रॉपर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर नेशनल सिंबल्स, प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राइकलर और तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है झंडा है उसको हम ट्राइकलर यानी कि तिरंगा कहते हैं। इट हैज थ्री बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसमें तीन रंग की अलग अलग पट्टियां हैं। सेफ्रॉन ऑफ द टॉप, सेफ्रॉन मीन केसरिया, टॉप मीन्स ऊपर, सबसे ऊपर क्या है टॉप में, सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, जो हमारा केसरिया रंग की पट्टी है वो हमें क्या दर्शाती है, त्याग और साहस, करेज मीन साहस और त्याग। व्हाइट इन द मिडल स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्योरिटी, जो मिडल मीन्स बीच में व्हाइट पट्टी है वो हमें क्या सिखाती है, पीस मीन्स शांति, प्योरिटी मीन्स पवित्रता, तो हमें शांति और पवित्रता का संदेश देती है। ग्रीन एट द बॉटम, सबसे नीचे ग्रीन पट्टी है वो हमें क्या दिखाती है, स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है, तो हमें तीन पट्टियों से ये मिलता है कि हम क्या सीखते हैं इनसे, सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन। देयर इज अ मिडल और व्हील और चक्र कॉल्ड अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, सेंटर में फ्लैग व्हाइट पट्टी पर क्या बना है, चक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र। इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, यह हमें क्या दर्शाता है, प्रोग्रेस उन्नति। द व्हील हैज 24 स्पोक्स इन इट, व्हील्स में 24 यानी कि 24 तीलियां हैं। नेशनल एंथम, आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है, जन गण मन। इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द नेशनल एंथम इज संग ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल डेज, राष्ट्रीय गान जो है हम देश के जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसमें गाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कोई भी नेशनल डेज होते हैं उन पर हम ये गाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, ये क्या है, टाइगर पिकॉक एंड लोटस। अब टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है, ये पिकॉक क्या है, नेशनल बर्ड, और ये लोटस क्या है, नेशनल फ्लावर, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर जो है हमारा बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है एनिमल। इट इज द सिंबल ऑफ पावर, ये शक्ति का प्रतीक है। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक जो है मोर हमारा नेशनल बर्ड है। इट इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का प्रतीक है। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, लोटस जो है कमल, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट स्टैंड फॉर ट्रुथ, ये सच्चाई का प्रतीक है, क्योंकि व्हाइट होता है कमल, पिंक होता है, तो ये सच्चाई का प्रतीक है। नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम मीन्स राष्ट्रीय सील, जो मोहर होती है हमारी, ये देख रहे हैं आप, ये आवर नेशनल एम्बलम इज आवर नेशनल आइडेंटिटी, हमारे जो भी राष्ट्र के जो भी सरकारी वर्क होते हैं, काम होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर ये जरूर होती है पिक्चर, नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि हमारे भारत का है तो ये जरूर लगा होगा उस पे स्टैम्प। इट हैज फोर लॉइंस बट ओनली थ्री आर इनविजिबल, अब यहाँ आपको कितने लॉइन दिखाई दे रहे हैं, थ्री लॉइन, लेकिन कितने हैं, फोर है, एक इसके बैक में है। देयर इज अ व्हील एट द बेस, ये इस पर भी अशोक चक्र है व्हील। द वर्ड सत्यमेव जयते आर इंस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ द एनवलम, सत्यमेव जयते लिखा होता है जहां भी ये चिन्हित होता है,
तो इसमें अंकित होता है, इंस्क्राइब्ड मीन्स जहां भी ये अंकित होता है पिक्चर पेपर पर, उसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, इस एम्बलम के नीचे। तो आपने इस तरह से ये लेसन पूरा रीड कर लिया है, और जो वर्ड्स आपको नोटबुक में दिखाए थे वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और स्पेलिंग लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।